हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम इन टू दई बी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इस टॉपिक के अंदर का एक सब टॉपिक है इज कॉकरोच और आज हम उस कॉकरोच के बारे में इस सेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे सी कॉकरोच क्या है तो कॉकरोच इट इज अ वन एनिमल लेकिन एनिमल को एनिमल किंगडम के भीतर दो हिस्सों में बांटा गया है सम एनिमल्स आर इंक्लूड इन एंड सम एनिमल्स आर इंक्लूड इन नॉन कॉर्डेट, राइट तो हमारा कॉक्रोच जो है इट इज कॉर्डेट। कॉक्रोच नॉन कॉर्डेट है नॉर्मली कॉक्रोचेस आर ब्राउन और ब्राउन और ब्लैक बॉडीड बॉडीड एनिमल तो कॉकरोच एक एनिमल है नॉर्मली कलर ऑफ द कॉक्रोच इज अ ब्राउन और द ब्लैक इन कलर और दट इज अडिश ब्राउन इन कलर दट इज अमल कलर ऑफ द कॉकरोच कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम नॉन कॉर्डेट के बहुत सारे फाइलम किए गए हैं और अलग अलग फाइलम के अंदर उनके कुछ सेम या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पर अलग अलग एनिमल्स को रखा गया है वैसे कॉकरोच पुट इन टू द फाइलम आर्थो पोडा पुट वाई कॉक्रोच पुट इन टू द फाइलम आर्थोपोडा आर्थोपोडा मीन्स ज्वाइंटेड अपेंडेजेस ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। कॉकरोच के बॉडी में जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो ज्वाइंटेड एक्सट्रीमिटीज होती है और ऐसे सारे के सारे नॉन कॉर्डेट को एक फाइलम के अंदर रख दिया है दिस्टम एज द फाइलम आर्थोपोडा और एक फाइलम के भीतर बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल हो सकते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार की क्लास किए गए हैं जैसे एक क्लास है दैट इज अ इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा में क्लास है इंसेक्टा सो इट इज अट इन टू द इनसे इंसेक्ट हमारा कॉक्रोच इंसेक्ट है राइट right? जो इंसेक्ट्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं दैट ऑल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर फाउंड इन द कॉक्रोच सो कॉक्रोच का क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम है आर्थ्रोपोडा नॉर्मली

डार्क प्लेसेस डार्क प्लेसेस एंड नॉर्मली दे एक्टिव एट द नाइट टाइम्स आउट ऑफ दुरोस एट सो देल सो नॉर्मली कॉक्रोच आर फाउंड इन डार्क एंड प्लेसेस राइट जहां पर मॉइस्चर होता है एंड डार्क जहां पे बहुत ज्यादा उजाला नहीं होता है अंधेरा होता है एंड नॉर्मली दे कम्स आउट ऑफ द बुरास राइट इन सर्च ऑफ फूड एट द नाइट टाइम सो दे आर ओमनी होर्स दोनि एबिलिटी टू ईट एनी थिंग दैट एनिमल्स आर अमाइज ओमनी होर्स सो कॉक्रोचेस आर ओमनी होर्स एंड कॉक्रोचेस आर फाउंड एवरी वेयर इन द वर्ल्ड सो दे आर फाउंड थ्रूट द वर्ल्ड नॉर्मली इन डार्क एंड डैम प्लेसेस सो नॉर्मली कलर ऑफ द कॉक्रोच इज अ ब्राउन और द ब्लैक राइट और द रेडिश ब्लैक इन कलर बट इन द ट्रॉपिकल रीजन इन द ट्रॉपिकल रीजन इन द ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है कि दिस इज अवर अर्थ और हमारे अर्थ का ही इक्वेटर है इक्वेटर के ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ एंड इक्वेटर के ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ ये जो रीजन होता है इस रीजन के अंदर राइट डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉकरोचेस देखने को मिलते हैं इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन रेड राइट इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कॉकरोचेस हमें देखने को मिलते हैं राइट सो मोस्ट ऑफ द स्पेसीज ऑफ द कॉकरोच कॉकरोच के नियर अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड स्पेसीज हमें देखने को मिलते हैं नॉन स्पेसिज ए कॉकरोच राइट मोस्ट ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम आर वाइल्ड यानी कि दे लिव इन अ फॉरेस्ट राइट मोस्ट ऑफ देम आर वाइल्ड बट कीप इन माइंड सम स्पेसीज ऑफ द कॉकरोच दे थ्राई और द्रो दे ग्रो ग्रो सम सम स्पेसी स्पेसीज ग्रो इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटैट ह्यूमन हैबिटैट ह्यूमन हैबिटेट में कुछ कॉक्रोच के स्पेसीज ग्रो हो चुके हैं एंड इन रिसेंटेट इट बिकम वेरी सीरियस सीरियस बेस्ट दोज एनिमल विच स्पॉइल द फूड दैट एनिमल्स आर टमेज बेस्ट एंड इट बिकम अ सीरियस वैक्टर सीरियस वैक्टर्स those animals which spread the disease from one person to another person that uh, animals are termed as vectors right so some species of the cockroach they grow in and around the human habitat and in a recent days they become very serious pests a very common species that is found in india that is a peri peri planeta americana नॉर्मल नॉर्मली नियर अबाउट थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर थाउजेंड स्पीसीज बट वेरी कॉमन स्पेसिस दैट इज फाउंड इन इंडिया पेरी प्लानेटा अमेरिकेना राइट नॉर्मली अडल्ट अडल्ट पेरी प्लानेटा अमेरिका का साइज जो होता है वो थर्टी फोर टू फिफ्टी थ्री एम एम होता है दैट इज नॉर्मल साइज ऑफ द पेरी प्लानिटा अमेरिका एंड होल्ड द डिस्क्रिप्शन विच इज गिवन हियर इन दिस टॉपिक इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लानेटा कॉकरोच शोज सेक्सुअल डायमोर्फिजम कॉकरोच शोज द सेक्सुअल डायमोर्फिजम यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेक्सेस आर सेपरेट एंड कॉकरोच में होने वाला रिप्रोडक्शन इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स अ सेक्सुअल

स इट इज नॉट अ वीवी पैरस कॉक्रोच इट इज अवीपेरस एंड डेवलपमेंट कॉक्रोच में जो होता है इट इज टू दॉरोमेटाबोलिसमेंटाबोलस डेवलपमेंट डेवलपमेंट व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट दैट इज अ ग्रेजुअल मेटामॉर्फॉसिस ग्रेजुअल मॉर्फॉसिस वेन द eggs of the cockroach get hatched at that time baby cockroaches comes out and uh, these baby cockroaches possesses the wing pads, wing pads they don't have wings so the newborn of the cockroach the atom is a nymph the atom is a nymph and this nymph undergoes the molting they undergoes the molting and at a regular interval they shed their structures

abdomen so body of the cockroach it is a uh, mainly divided into three parts this is a head this is the head this is the thorax it is a thorax head hai, thorax hai, and a uh, abdomen and a uh, abdomen thorax and this is the abdomen this is a abdomen बॉडी ऑफ द कॉक्रेट इज मेनली डिवाइड इन टू थ्री पार्ट हेड थोर एक्साइड अपडोम आगे की तरफ चलते हेड इट इज मेड बायनियन ऑफ इट इज अ ट्राइंगुलर ये ट्राइंगुलर है एंड इट इज मेड बायनियन ऑफ सिक्स प्लेट्स एंड इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल हेड कैप्सूल हेड सिंगल हेड कैप्सूल बना है By the union of six chitinous plate. Okay. This is the head. Right now, second part here, that is a thorax. But thorax it is divided into three parts: prothorax, mesothorax, and a metathorax. Look at this. This is a prothorax. It's a pro-thorax. Thorax it is divided into three parts. Prothorax. Then second part, there is a mesothorax and third part of the thorax that is a metathorax it is a metathorax prothorax mesothorax metathorax in both male and female this abdomen it is get divided into abdomen it is get a divided into 10 segments abdomen it is a divided into 10 segments keep in mind this is a very strong MCQ for your need

कंपाउंड आई आई ऑफ द कॉक्रोच कंटे नियर अबाउट नियर अबाउट टू थाउजेंडोनल कितने ओमा टिड़िया होते हैं नियर अबाउट टू थाउजेंड ओमा टिड़िया एंड बिकॉज ऑफ दैट हर एक ओमा टिड़िया के अंदर एक इमेज बनता है स्मॉल इमेज और वो सारे के सारे स्मॉल इमेज बनाकर एक कंप्लीट इमेज बनता है सो so, कॉक्रोच के आंख में बनने वाला इमेज जो होता है इमेज होता है कौन सा इमेज होता है मोजाइक इमेज ऑन दीरियर साइड ऑफ द आइस आइस के एंटीरियर साइड में a of, a of antenna होता है क्या होता है यहां पर सॉकेट होता है और उस मिम्रैनो सॉकेट में अ पियर ऑफ अ एंटीना ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ अ आइस आइस के एंटीरियर साइड में इस प्रकार से क्या होता है अ अर ऑफ एंटीना होता है एंड एंटीना इट इज अ फिली फॉर्म एंटीना बट वाइट फिलीफॉर्म एंटीना बिकॉज दिस एंटीना इट इज मेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल फिलामेंट्स और फिलामेंट फिलामेंट से बनने के कारण दिस एंटीना इट इज एज अ फिली फॉर्म एंटीना वॉट इज दिस दिस इज अ फिली फॉर्म एंटीना फिलीफॉर्म एंटीना एंटीनाइट इज असरी फंक्शन ये सेंसरीन फंक्शन है क्योंकि इट हैज एबिलिटी टू रिसीव द सेंसेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट इट इज असरी फंक्शन सेंसरीन फंक्शन इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सेंसेशन ऑफ द एनवायरमेंट आगे की तरफ चलते फिर यहां पर प्रोथोरैक्स मिजोथोरेक्स एंड मेटाथोरैक्स

स एक्सोस केलेटन राइट इट इज एन असिटाइल ग्लूकोस अमाइन केमिकली यह क्या है राइट केम्यूकोपोलीसेड है राइट काइटीन से बना हुआ यह एक्सोस केलेटन होता है एंड इज काइटीनस एग्जोस्लेटन काइटीनस एक्सो स्केलेटन ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच, इट इज टर्म एज द इसको कहा जाता है स्क्लेरिटीज़, स्क्लेरिटीज़ कहा जाता है क्या कहा जाता है एंड कुछ स्किलिटीज होते हैं वेंट्रल साइड में होते हैं डॉर्सल साइड में होने वाले स्किलिटीज scler को कहा जाता है टर्जम क्या कहा जाता है टर्जम और टर्जाइट जम और टर्जाइट एंड में होने वाले को कहा जाता है स्टर्नम और स्टर्नाइट क्या कहा जाता है स्टर्नम और स्टर्नाइट इस फिगर में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो ये ऊपर वाले काइटिन के प्लेट है सो तो दे आर द। इनको कहा जाएगा टर्जम अगर अब्डोमिनल सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं

so all these are the chitinous plate each and every segment is covered with the chitinous plate which is exoskeleton of the body of the cockroach and that is termed as the sclerites usko sclerites kaha jata hai. fir cockroach possesses three pairs of walking legs three pairs of walking legs hai. three pairs of walking legs may a pair of walking legs arises from the arises from the prothorax it is termed as a prothoracic leg न पियर इट इज अराइजेस फ्रॉम द मिजोथोरैक्स इट इज टर्म एज दिजोथोरेसिक लेग एंड वन पियर अराइज फ्रॉम द मेटाथोर इट इज टर्म एज दसिक लेग सो थ्री पियर्स ऑफ लेग अराइजेस फ्रॉम द कॉक्रोच राइट यहाँ पे इच पियर अराइजेस फ्रॉम इच थोरेसिक सेगमेंट हरेक थोरेसिक सेगमेंट में अराइज हो रहा है सो दिज द प्रोथोरेसिक लेक मिजोथोरेसिक लेक मेटाथोरेसिक लेक एंड ऑल दीज आर द ज्वाइंटेड

विंग ंग सोलूकाइर दिस इज द मेटाथोरेसिक विंग जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं एंड द मिजोथोरेसिक विंग लिख देते हैं इट इज मिजोथोरेसिक विंग मीजो थोरेसिक विंग कीप इन माइंड दिस मिजोथोरेसिक विंग इट इज ऑल्सो टर्मेज द फोर विंग इसी को ही कहा जाता है फोर विंग मिजोथोरेसिक विंग इट इज ऑल्सो टर्मेज अ फोर विंग Mesothoracic wing. It is also termed as a four-wing. Four wing. wing is not a true wing, it is called as a false wing because it is not a help in the flying. So it is a false wing. It is also termed as a tegmina. It is also termed as a tegmina. This wing it is opaque. This wing it is a opaque. It is a leathery. इट इज अ टफ ये टफ होता है सेकेंड पेयर ऑफ विंग होता है दैट इज अटाथोरेसिक विंग मेटाथोरेसिक विंग एंड मेटाथोरेसिक विंग जो होता है यह विंग होता है दैट इज हाइंड विंग हाइंड विंग इट इज अ ट्रू विंग इट इज अ ट्रू विंग वाइट इज ट्रू विंग

डेलीकेट विंग दैट इज अ ट्रू विंगट इज कॉल इज अड विंग इट इज ऑल्सो टम एज अटाथोरेसिक विंग आगे की तरफ चलते हैं फिर अगर हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं सो दिस इज असिक विंग इट इज अटाथोरेसिक विंग सो यही इस साइड का अगर हम विंग आपको शो करें तो लुकाइर दिस इज अजोथोरेसिक विंग और इसके नीचे का हमें मेटाथोरेसिक विंग नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके नीचे है और ये जो ड्रॉ कर रहे हैं ये है दैट इज अ फोर विंग जो कि ओपेक है जिसके कारण इसके नीचे का एट द रेस्टिंग कंडीशन जब कॉकरोच रेस्टिंग कंडीशन में होगा तो मिजोथरेसिक विंग के नीचे होगा मेटाथोरेसिक विंग तो मिजोथरेसिक विंग यानी कि ये फाल्स विंग ट्रू विंग को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है अगर हम बहुत ध्यान से अगर यहां पे देख लेते हैं तो दिस विंग गोज बियॉन्ड दिस इज द टिप ऑफ ऑफ इट गोज बियॉन्ड द टिप ऑफ ऑफ बियॉन्ड दिप ऑफ अबडोमेन बियॉन्ड द टिप ऑफ अबडोमेन ये जाता है किसमें तो मेल में फीमेल में यह बियॉन्ड टिप ऑफ ऑफ नहीं जाता है और एक चीज है टूअर्ड द हाइंड एंड यानी कि टूवर्स द बैक एंड बोथ इन अ मेल एंड फीमेल दोनों में भी इस प्रकार का एक फिल्मेंटल स्ट्रक्चर होता है दे एज एनल एनल है एंड ये बोथ मेल में एंड फीमेल में एंड स्ट्रक्चर इट इज सेंसरी फंक्शन पोस्टीरियर साइड से ये साउंड को रिसीव करने का काम करता है अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में और एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ मेल में ही होता है एंड इज इज कॉल्ड एज इजल स्टाइल इट इज कॉल्ड एज एनल स्टाइल इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल इट इज फिलामेंटस थ्रेड लाइक ऐसा कहेंगे इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अनर स्टाइल थ्रेड लाइक नॉन फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ओनली इन द मेल ये मेल में प्रेजेंट होता है फीमेल में प्रेजेंट नहीं होता है और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि धिस इज दिस इज द प्रोथोरैक्स एंड प्रोथोरैक्स को कवर करने वाला ये बहुत बड़ा सा काइटीन का प्लेट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है एंड इस लार्ज काइटीनस प्लेट

एंड प्रोथोरैक्स का हल्का सा एक्सटेंशन होता है जिसके माध्यम से दैट हेड इट इज अटैच विदेड इट इज अटैच विदोरैक्स सो धिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरैक्स एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स विच इज अम्ब्रैनस जो एकदम डेलीकेट में एंड दट इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ कॉक्रोच एंड बिकॉज ऑफ दैट हेड ऑफ द कॉक्रोट इज वेरी फ्लेक्सिबल इट कैन बी मूव इन एनी डायरेक्शन और एक इंटरेस्टिंग चीज है हर एक काइटीन का प्लेट ये दूसरे काइटीन के प्लेट के साथ आर्टिकुलेट होता है यानी कि स्टर्नम दे अटैचेस टू द स्टर्ना या स्टर्नम राइट स्टर्नम टर्जम के साथ टर्जम टर्जम एंड स्टर्नम स्टर्नम और टर्जाइट और स्टर्नाइट दे अटैच टू इच द हेल्प मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन दे आर कनेक्टेड टूर्दर विदेलोडियलब्रेन आर्थोडियल कनेक्टेड होता है एंड इज योच राइट कॉक्रोच का हेड तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन कॉक्रोच का माउथ हमें दिखाई नहीं दे रहा इज़ अ लॉन्जिट्यूडल बॉडी ऑफ द कॉकरोच ये कॉकरोच के बॉडी का लॉन्जिट्यूडनल पार्ट है सो दिस इज लॉन्जिट्यूडल एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ कॉकरोच एंड दिस इज द माउथ पार्ट ऑफ द कॉक्रोच सो किस इज द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इट मेक्स अग्री विदेड एक्सिस हेड एक्सिस के साथ ये लॉन्जिट्यूडल एक्सिस जो होता है वो नाइनटी डिग्री बना रहा है इट मीन्स दैट कॉक्रोच इज हाइपो हाइपो ज इज़ का जॉ इसका जॉ नीचे की डायरेक्शन में होता है और यही यहां पे हमें दिखाई दे रहा है इज़ माउथ दाउथ पार्ट सारे के सारे माउथ पार्टी हमें देखने हैं चलो कॉकरोच में माउथ पार्ट में क्या क्या आता है माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच लैब्रम म दैट इज अपर लिप अपर लिप सेकेंड लैबियम लैबियम दैट इज अ लोअर लिप लोअर लिप वन इन नंबर दिस इज ऑल्सो वन इन नंबर थर्ड होता है दैट इज अ मैंडीबल मैंडीबल राइट इट इज अ टू इन नंबर टू इन नंबर फोर्थ होता है मैक्जिला दैट इज टू इन नंबर और लास्ट में होता है हाइपो हाइपो फैरिंग्स दैट इज अ टंग ऑफ कॉकरोच टंग ऑफ कॉकरोच ये कॉकरोच का टंग होता है अभी अगर हमें कॉकरोच के हेड एंड माउथ पार्ट्स को अगर देखना है तो हमें कुछ इस प्रकार से देखना पड़ेगा द हेड ऑफ द कॉकरोच इट इज लिटिल बिट ट्रेंगुलर ये इस प्रकार से थोड़ा सा ट्रेंगुलर दिखाई देता है इट इज लिटिल बिट ये इसे हमें थोड़ा सा सा हल्का दिखाई देता है सो द हेड ऑफ द कॉकरोच इज लिटिल बिट ट्रेंगुलर अभी कॉकरोच का हेड जो होता है नियर अबाउट सिक्स के प्लेट का फ्यूजन होकर बनता है तो इट इज लुक्स लाइक वे ये इसे दिखाई देता है सो so, आगे की तरफ चले तो यहां पे होता है कॉकरोच के

Antenna. आगे ओके पे okay. पे देखते हैं यहां पे दो काइटिन के प्लेट होते हैं ये ये के चीक गाल कहे जाते जीना और यहां पे का प्लेट होता है That is called is right? आपके NCRT में नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये डायग्राम समझना चाहिए तो ये होता है इसके नीचे यहां पे इस प्रकार का एक का प्लेट है जो अपर साइड में होता है यानी कि एंटीरियर साइड में होता है माउथ के इट इज इसको कहा जाता है फिर, अलग -अलग कलर्स के हम शो करते हैं. इसके नीचे इस प्रकार से दूसरा एक काइटीन का प्लेट होता है राइट एंड इज कॉल्ड इजियम दैट इज कॉल्ड इज लोअर लिप ओके एंड ये इसके कुछ अपेंडेस होते हैं

मैंडीबल राइट right? इसके बाद और एक पेयर ऑफ स्ट्रक्चर होता है एंड दोमाइज मैग्जिला इट इस्ट्रोमाइज मैग्ला इट इज लाइक यहाँ पे एक है और यहाँ पे दूसरा है ये इस प्रकार से सो दिस आर द मैग्लाज ये क्या है मैग्लाज है ये क्या है दीज आर द मैग्लाज राइट और ये मैग्जिलरी पाल्फ है सो धिस मैग्जिला

मैक्ला लेकिन यहां पे समझने में थोड़ी दिक्कत की बात जाती है तो इसलिए हमारी एनसीआरटी में जैसे दिया है, इन सारे पार्ट्स को तोड़ के दिखाया है कैसे दिखाया एनसीआर में इन सारे पार्ट्स को तोड़ के दिखाया है अगर मान लो इस मैंडिबल को हम ऐसे हटा दे बाजू में रख दे मैक्सिला को अगर ऐसे हटा दे बाजू में रख दे तो वो अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो लुकाइटर हमने इसको सेपरेट किया तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है मैंडिबल ये मैंडिबल दिखाई दे रहा है और ये दूसरा मैंडिबल दिखाई दे, तो दे रहा है काइटिन से बने हार्ड है और मैंडिबल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दैट इज अ ग्राइंडिंग पार्ट एंड इंसीजिंग पार्ट क्या दिखाई दे रहा है ग्राइंडिंग पार्ट जहाँ से फूड मटेरियल का ग्राइंडिंग होगा और इंसीजिंग पार्ट रीजन जो इंसीजन करेगा फूड मटेरियल का ये रहा लेब्रम दैट इज अपर लिप ये रहा लेबियम दैट इज द लोअर लिप दीज आर द लेबियल पास एंड ये रहे दो मैक्सिला जो कि आपके एनसीआरटी में सेपरेट करके दिए हैं। अगर इसी डायग्राम में अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपाउंड आई है और यहाँ पे एक व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज असी विच वर्स एज अ फोटो रिसेप्टर। लेकिन हमारे कॉकरोच में इसका कोई खास फंक्शन नहीं है सो इट इज वेस्टिजर इन कॉकरोच फिर यहाँ पे दिया है दैट इज मैगजिला मैंडिबल है जो कि लेटरल साइड में दिखता है लेब्रम जो एंटीरियर साइड में दिखाई दे रहा है एंड लेबियम जो पोस्टीरियर साइड में इस प्रकार के काइटिन का प्लेट दिखाई दे रहा है और ये रहा इसके माउथ का ओपनिंग यानी कि फूड यहाँ से अंदर चला जाएगा तो ये मैंडिबल के माध्यम से क्या करेगा फूड मटेरियल को क्रश करेगा क्या करेगा क्रश करेगा फूड मटेरियल को हल्का सा ग्राइंड करेगा लेकिन कीप इन माइंड माउथ में फूड मटेरियल का फाइनली ग्राइंडिंग नहीं होता है होता है क्या फाइनली ग्राइंडिंग नहीं होता है एंड दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द

जो मिलेंगे आपको वो सॉल्व करके और कीप इन माइंड अगर अब तक आपने आई आई आधार थ्री को रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए और यहां से मिलने वाले जितने भी कंटेंट है आई के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली नीट 2023 में आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ठीक है बेटा थिंक नीट थिंक आई